किसान संगठन दिल्ली चलो आंदोलन कर रहे हैं। इसे लेकर पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए वे हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इस बंद का समर्थन करते हुए व्यापारियों से सहयोग की अपील की थी। बावजूद इसके बंद का असर नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसानों को अपने पक्ष में करने का जो ये कांग्रेस का दाव है वो फेल होता नजर आ रहा है। जय जवाहर साथियों, मैं हूं निधि भारद्वाज, आप सभी के सामने अपनी खास सीरीज देश किसका लेकर हाजिर हूँ। दिल्ली के पास जारी किसानों के आंदोलन को कांग्रेस ने पहले ही समर्थन दे दिया है। अंबिकापुर में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो हमारी सरकार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। इस दौरान राहुल ने कहा था कि स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की सभी सिफारिशों का सम्मान करेगा। ये हमारी शुरुआत है, हमारा घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, हम किसानों और मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए किए गए इस ऐलान को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी किसानों के समर्थन में आकर बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं तो ये तो जैसे दुश्मनों के साथ किया जाता है उस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है। किसानों से वो मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य में खरीदी हो, और 5 साल हमने छत्तीसगढ़ में स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर खरीदी की। समर्थन मूल्य तो 1600 रुपया था, 1700 रुपया था, 1800 रुपया था, हमने 2500 रुपये में खरीदा। ये जब छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता? अब बात करते हैं किसानों के इस बंद का असर छत्तीसगढ़ में कितना दिखा। कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की कि वो इस बंद को सफल बना सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। बिलासपुर में औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन और अन्य संगठनों ने बिलासपुर के नेहरू चौक पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन में ज्यादातर कुर्सियां खाली रही। वहीं बैकुंठपुर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला और कोरबा में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट के सभी यूनियन नेता बोरिया गेट में प्रदर्शन करते हुए नजर आए और राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन सुकमा में सबसे ज्यादा बंद का असर देखने को मिला। अधिकतर दुकानें यहां पर बंद दिखाई दी। तो कुल मिलाकर यू कहे कि कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद किसानों ने इस बंद को उतना समर्थन नहीं दिया जितनी उम्मीद की जा रही थी। आम लोगों में भी इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का ये दाव चल नहीं पाया। देश किसका में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जवाहर।